नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। देश की मिट्टी खतरे में है और इसे बचाने वाले सड़कों पर हैं। देश के संसाधन खतरे में हैं और इसे अपने श्रम से चमकाने वाले सड़कों पर हैं। और मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, शायद इसलिए बहुत अहम है कि इसने बिल्कुल अलग ढंग की मोर्चेबंदी गोलबंदी से देश को नवाजा है। 25 सितंबर को जिस तरह का नजारा हमने चारों तरफ देखा, दावा किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब देश में बड़े और छोटे प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, और ये सारे विरोध मोदी सरकार से यह अपील करने के लिए हुए कि उन्होंने खेती संबंधित 3 जो बिल पारित किए संसद के इस सत्र में, उसे वह तुरंत वापस लें। और आप देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब से लेकर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी एक भी राज्य देश का ऐसा नहीं गया जहां किसान सड़कों पे ना उतरे हों। और किसानों के समर्थन में वे तमाम लोग जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, वे ना उतरे हों। पूरे देश में अन्नदाता सड़कों पे उतरे और मोदी सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे लोगों को बताने की कोशिश करने पर उतारू हैं कि यह किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसान बेचारे इस देश के इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार उनका भला करना चाह रहे हैं। किसानों ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, मुट्ठी बांधकर ऐलान किया, सारा कुछ उन्होंने 25 तारीख से करना शुरू किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आप यह जो 3 बिल लाए हैं, यह देश के किसानों को गुलाम बनाने वाले हैं। आपके जो दोस्त हैं, जो बड़ी पूंजी है, जो याराना पूंजीपति हैं, वे सब इस देश की मिट्टी का दोहन करने पर उतारू हैं। और कम से कम एक बात बहुत साफ हुई, अभी आप देखेंगे कि भी किस तरह से किसान खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, खेती हम करते हैं। किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी किसान यूनियन ने, मजदूर यूनियन ने एक बार भी इन बिलों में जो जो चीजें हैं, ये जो कानून बना है, इनमें जो जो चीजें हैं, उसकी मांग नहीं की, जिसको लेकर वे मांग करते रहे हैं कि कर्ज मुक्त हो, खेती और किसानी को फलने और फूलने दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पूंजी आए यहां पर, किसान खुशहाल हो। उन मांगों को सिरे से नजरअंदाज किया है मोदी सरकार ने। इसी दौरान 25 तारीख को दिखाई दिया, और यह जो वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इससे यह पता चलता है कि किस तरह से भाजपा समर्थित संगठन किसानों की आवाज को दबाने के लिए लाठी और डंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह बिहार से आया हुआ वीडियो है,
यह वीडियो आप देखें, और सभी को देखना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे कानून, हमारे संविधान के हिसाब से अधिकार मिला हुआ है प्रोटेस्ट का, जब किसान आंदोलन करने उतरे, पुलिस की मौजूदगी में उन पर लाठियां बरसाई गईं, मोदी के जयकारे लगाए गए, पुलिस वहां पे मौजूद रही। ये वही बिहार है जहां इसी तारीख को, 25 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई है। 25 तारीख को किसानों के आंदोलन की खबरों को दबाने के लिए क्या कुछ किया गया, इस बारे में बहुत सी खबरें हमारे सामने आई हैं। उन खबरों में विस्तार से न जाते हुए बस यहां पर आपसे हम यह शेयर करना चाहते हैं कि किसान इस गोदी मीडिया के बारे में भी खुलकर बोल रहा है और जमकर बोल रहा है। एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली किसानों के इस आक्रोश के संदर्भ में कि सोशल मीडिया पर एक जो सेक्शन है, जो भक्त सेक्शन आप कह सकते हैं, मिडिल क्लास का सेक्शन है, अलग अलग आप नाम दे दीजिए, वह लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे थे, और बेचारों की मजबूरी भी थी कि किसान देश के अनपढ़ है, उन्हें पता नहीं कैसे खेती की जाती है, कैसे गुलामी से मुक्ति मिलती है, और मोदी सरकार के यह बिल बड़े क्रांतिकारी हैं। अब दिक्कत यह हुई कि इनके समर्थन में एक भी किसान संगठन उतरा नहीं, और सवाल सिर्फ इन तीन कानूनों का नहीं है, सवाल यह है कि 2014 से 2016 तक के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ खबरें इसकी प्रकाशित हुई हैं, उनसे पता चलता है कि सिर्फ 14 से लेकर 16 के बीच, जो कि बहुत सुनहरा काल मोदी सरकार का बताया जाता है, उस दौरान ही किसानों का गुस्सा, किसानों की नाराजगी, उनके विरोध प्रदर्शन में 700% वृद्धि हुई, यानी करीब 5000 के करीब प्रोटेस्ट देश भर में दर्ज किए गए। और अगर ये जो अभी दावा किया जा रहा है कि इन कानूनों के खिलाफ 1,00,000 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, हर एक राज्य में प्रोटेस्ट हुआ, छोटे छोटे कस्बों में प्रोटेस्ट हुआ, छोटे छोटे गांव में प्रोटेस्ट हुआ, तो इससे एक बात साफ है कि जब से मोदी सरकार आई है, चाहे उसका पहला टर्म हो चाहे दूसरा टर्म, उसे देश के किसानों की परवाह नहीं रही है। और इस बारे में जिस तरह की मीडिया की कवरेज रही, इससे भी ऐसा नहीं कि किसानों को पता नहीं था। आप देखिए, ये हरियाणा के जो किसान हैं, ये खुलेआम कैसे कह रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमें आप नहीं दिखाएंगे। आप एक, जब बॉलीवुड का एक्टर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तब आप लगातार कवरेज करते रहते हैं, और यहाँ हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन यह जो महान मीडिया और जो मीडिया का पूरा कारपोरेट तंत्र है, यह कभी किसी एक सिने एक्ट्रेस के पीछे भागता है, कभी दूसरी सिने एक्ट्रेस के पीछे भागता है, लेकिन शायद इस समय इस मुकाम पर देश का किसान यह समझ रहा है कि उसे इस मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। टाइम मैगजीन ने, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन है, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। इसमें भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उन्होंने शायद यह नहीं पढ़ा कि उस मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया है। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर देखें, हम इसका हिंदी तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और शख्स जिनको एंट्री मिली है, और इसका श्रेय भी 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, यह है नानी दादी बिल्किस। जी हाँ, शाहीन बाग वाली बिल्किस, इनको भी टाइम मैगजीन ने 100 लोगों की सूची में शामिल किया है, और माना है कि इनका प्रभाव दुनिया में पड़ा है। और बिल्किस की वजह यहाँ पहुँचने की 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून है, जिसके खिलाफ शाहीन बाग में 2019 में एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया भारत की मुस्लिम महिलाओं ने। मुस्लिम महिलाओं में जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, जिसमें बिल्किस एक बहुत अहम चेहरा बनी, वह शामिल थीं। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, और उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया था
कि यह मिट्टी हमारी है, यह वतन हमारा है। और उस आंदोलन की बदौलत, उस आंदोलन ने जो इम्पैक्ट पैदा किया, जो असर पैदा किया, उसको पूरी दुनिया ने सुना और समझा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ मोदी सरकार आने के बाद कि किसी आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी जबरदस्त गूंज हुई। और इन दोनों के बारे में जो कहा गया वह पढ़ा जाना, सुना जाना बेहद जरूरी है। यहाँ सवाल सिर्फ किसानों या मजदूरों की नाराजगी का ही नहीं है, यहाँ सवाल उस संस्था की भी नाराजगी का है, उस संस्था की जो आपत्ति उसने जताई उसका भी है, जो देश की तमाम सरकारों का बही खाता देखती है कि वह सही ढंग से खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसे कैग कहा जाता है। कैग की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो संसद में रखी गई, हालांकि बहुत सी रिपोर्ट संसद तक नहीं पहुंच पाई, इस कैग की रिपोर्ट को देखा जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी सीधी सीधी चोट भारत के जो संघीय ढांचे है उस पर पड़ती है। कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी जीएसटी को लेकर, जी हाँ जीएसटी, जिसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, जिसके बारे में तमाम दावे संसद में मोदी सरकार ने किए, तमाम वित्त मंत्रियों ने किए, कैग की रिपोर्ट यह बताती है कि जीएसटी जिस बुनियादी आधार पर लाया गया था उसमें बहुत बड़ा छेद मोदी सरकार ने किया है। इतना बड़ा छेद, इतनी बड़ी बटमारी की है, जहां राज्य सरकारों को जो उनके आर्थिक हक मिलने चाहिए थे, जो हिस्सेदारी मिलने चाहिए थी, जिसका वादा यह कानून करता है, वह कुछ नहीं किया गया। आपको तमाम तरह के आंकड़े इस बारे में इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो हमने कैग रिपोर्ट से ही लिए हैं। लेकिन अगर संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूं तो हुआ यह है कि जीएसटी के बहाने केंद्र सरकार ने तमाम आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण किया। तमाम कर जो राज्य सरकारें लेती थीं, उनसे संसाधन जुटाती थीं, वह सब केंद्र सरकार ने अपने पास रखा, उसमें से कुछ उनके पास छोड़ दिया, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गई, जो ज़मीन की खरीद फरोख से जुड़ी हुई है, जो शराब बिक्री है उससे जो कर जुटता है वह है, और इसके साथ साथ एक और जो बहुत अहम चीज़ है, पेट्रोल और डीजल, इसको छोड़ के बका तमाम जो कर उगाही राज्य सरकारें करती थीं वह सब जीएसटी के तहत केंद्र ने अपने पास ले ली। और यह लेते समय यह वादा किया गया कि इसकी वजह से जो भी आर्थिक नुकसान राज्य सरकारों को हो रहा है, होगा, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार को करना चाहिए था, यह उसके ऊपर कानूनी रूप से बाध्यकारी था, लेकिन उसने नहीं किया। इसके बारे में निर्मला सीतारमण ने बहुत ही आराम से कह दिया, देश के वित्त मंत्री ने, कि यह एक्ट ऑफ गॉड है। सवाल है, यह जो एक्ट ऑफ गॉड है, इसने राज्य सरकारों को किस तरह से पंगु बना दिया, किस तरह से जो उनका हक था उसे भीख में तब्दील कर दिया, इसकी कहानी बहुत लंबी है। लेकिन आज की तारीख में कैग रिपोर्ट बताती है कि जो केंद्रीयकरण मोदी सरकार तमाम ताकत को अपने पास रखना चाहती है, उसकी सीधी मार उन तमाम राज्य सरकारों पर पड़ी जिनके पास इस समय खजाने खाली हैं, और उसकी मार कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ रही है। तमाम राज्य सरकारों का कहना है कि जो उनका हक था, जो वो अपनी जनता के लिए खर्च करना चाहते थे, खर्च करना चाहिए, वह अब नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जवाबदेही कौन देगा, कैसे देगा, यह अलग बात है, लेकिन इससे एक चीज़ बहुत साफ हुई है कि नोटबंदी के बाद जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया पूरे देश भर में, इसने जो संघीय ढांचा था उस पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई। तमाम राज्य सरकारों को अलोकप्रिय करने का एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर जीएसटी हमारे सामने आ रहा है। और साथ ही साथ जो बहुत अहम चीज़ सामने आ रही है, चाहे वो किसानों की नाराज़गी हो या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नाराजगी पिछले साल से जो चल रही है, या कोरोना को लेकर जो तमाम आंकड़ों में हेरा फेरी हो रही है, मोदी सरकार को शासन करना नहीं आ रहा है। उन्हें देश बेचना तो आ रहा है, लेकिन देश चलाने में यह सरकार लगातार अक्षम
साबित होती जा रही है। यहां एक अच्छी बात यह है कि इस समय देश की जो संघर्षशील जनता है या देश के तमाम जो नागरिक हैं जो जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम सब जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने वालों के पक्ष में खड़े होते हैं, इन्हें धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि मीडिया जो अवधारणा बनाती है, जिस तरह का एक नफरत का माहौल बनाती है, वह एक झूठी दुनिया है। और हर आंदोलन के समय यह सवाल मीडिया से पूछा जाता है और मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए कि तुम आखिर क्या दिखाना चाहते हो, तुम क्या सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हो या इस देश के प्रति भी तुम्हारी कुछ प्रतिबद्धता है। हम आपके साथ इसी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा वादा सच के साथ है, इस अपील के साथ कि देखिए, लाइक करिए खोज खबर, शेयर करिए न्यूज क्लिक। शुक्रिया। Thank you.